अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। बारह साल पहले तेजाब से जलाई गई फाखरा ने इटली में खुदकुशी कर ली। मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई, तदफीन कराची में होगी। अल्ताफ हुसैन ने मुल्जिमों को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। शेखपुरा में फसीर की तालिबा से ज्यादती करने वाले मुहाफिज पुलिस के चार अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में ड्रामे के मुफ्त पास ना देने पर पीपल्स पार्टी रहनुमा की हवाई फायरिंग, फरहान गिलानी ने पुलिस अहलकारों को यरगमाल बना लिया। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। पंजाब के कई शहरों में अवाम मुतालबात के हक में फिर सड़कों पर आ गए। नवाज लीग का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। कौमी परवाज के जरिए लाहौर से लंदन पहुंचने वाले पाकिस्तानी नौजवान को हीथ्रो एयरपोर्ट पर जहाज के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर बराक ओबामा जोहरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनूबी कोरिया पहुंच गए। एशिया कप फाइनल के आखिरी ओवर में एजाज चीमा ने बांग्लादेशी खिलाड़ी का रास्ता रोका था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की फतह को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। और शहर लाहौर फिर बहार के रंग जोबन पर, शाहराएं फूलों से सज गईं। फैसलाबाद में जश्न बहारा की तकारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।